नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल आलिया एग्जाम क्विज में। देखिए, रीट परीक्षा लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए आज से हम राजस्थान इतिहास की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये बिल्कुल टॉपिक टेस्ट सीरीज होने वाली है और आज पहला टॉपिक है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएँ। और इस टॉपिक से आपको 50 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। और साथ में हमने राजस्थान ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है, उसके अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी आप ज़रूर देखना। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको बिल्कुल फ्री क्लासेज यहाँ पर मिलने वाली है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए आज की स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में बेराट के अलावा किस सभ्यता स्थल से हाथ से बुने कपड़े के अवशेष मिले हैं? तिलवाड़ा, बालाथल, बालोत्रा और कालीबंगा। तो बेराट के अलावा किस सभ्यता से हाथ से बुने कपड़े के अवशेष मिले हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बालाथल। बालाथल सभ्यता कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, कहाँ के अवशेषों से पता चलता है कि विश्वविख्यात सिंधु सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ है? तो कालीबंगा, रंगमहल, पीलीबंगा और उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर दो के अंदर राइट आंसर देगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर तीन, अनाज रखने के बड़े मृदभांड जिन्हें गोरे व कोठे कहा जाता था किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो अनाज रखने के दो जो बड़े मृदभांड हैं जिनको गोरे व कोटे कहा जाता है, तो किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बेराट। तो इसके अंदर राइट आंसर है आहड़ सभ्यता, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर चार, किस सभ्यता स्थल से 8 फीट ऊंची जाख बाबा यक्ष प्रतिमा की प्रतिमा मिली है? देखिए 8 फीट ऊंची है जाख बाबा यक्ष की प्रतिमा, तो कहाँ से मिली है? बेराट, नगरी, रेड और नोहा। तो क्वेश्चन नंबर चार के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा, नोहा कहाँ पर पड़ता है? भरतपुर में, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर पाँच, लघु पाषाणकालीन सभ्यता स्थल डाडा थोरा किस जिले में स्थित हैं? सीकर, बीकानेर, भीलवाड़ा और उदयपुर। तो डाडा थोरा किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है बीकानेर में। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर छः, कार्बन डेंटिंग पद्धति के अनुसार कालीबंगा सभ्यता का समय निर्धारित किया गया था? तो कालीबंगा सभ्यता का जो समय था वो कब से कब तक था? तो राइट आंसर इसका 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सात, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती हैं? सेलखड़ी मनके, लेपिस लाजुली, टेराकोटा मनके और ताम्र उपकरण। तो आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती हैं? तो सात के अंदर राइट आंसर हो जाएगा लेपिस लाजुली। क्वेश्चन नंबर आठ, किस सभ्यता स्थल से शुंगकालीन तीखे किनारे वाले प्याले प्राप्त हुए हैं? नाडोल, पाली, कोटड़ा, झलावाड़, तिलवाड़ा, बाड़मेर और लाछुरा, भीलवाड़ा। तो आठ के अंदर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चार, लाछुरा, भीलवाड़ा। क्वेश्चन नंबर नौ, इसवाल सभ्यता स्थल राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद और हनुमानगढ़। तो इसवाल जो सभ्यता है राजस्थान के कौन से जिले में स्थित हैं? तो राइट आंसर यहाँ पर उदयपुर में। क्वेश्चन नंबर दस, आहड़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, इसे ग्रामीण संस्कृति की सभ्यता कहा जाता था, मकानों में एक से अधिक चूल्हे मिले हैं जो संयुक्त परिवार होने का प्रमाण देते हैं, और आहड़ सभ्यता में लोहे का प्रयोग हो चुका था और यहाँ कुषाणकालीन मुद्राएं मिली हैं। तो कौन सा कथन इसमें असत्य है? तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर जो चार है, यहाँ कुषाणकालीन मुद्राएं मिली हैं। तो यहाँ पर मिली थी आहड़ से मिली थी 6 यूनानी मुद्राएं और 3 मोहरें मिली थी, ठीक है। तो इसके अंदर हो गया ऑप्शन नंबर चार। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, नालियासर सभ्यता किस जिले में स्थित है? जयपुर, भरतपुर, टोंक और भीलवाड़ा। तो नालियासर सभ्यता कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 12, कालीबंगा सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? बनास नदी, साबी नदी, बाणगंगा और घग्गर। तो कालीबंगा सभ्यता कौन से नदी के किनारे हैं? तो राइट आंसर है घग्गर नदी, और कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 13, चंद्रावती सभ्यता स्थल किस जिले में स्थित है? जोधपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़ और पाली। तो चंद्रावती सभ्यता स्थल किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर ये सिरोही में, ठीक है, सिरोही जिले में। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा सभ्यता स्थल मत्स्य जनपद की राजधानी रहा है? बेराट, आहड़, गणेश्वर और नगरी। तो मत्स्य जनपद की राजधानी
कौन सा स्थल रहा है? तो राइट आंसर यहाँ पर बेराट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? बेराट, गणेश्वर, कालीबंगा और आहड़। तो राइट आंसर यहाँ पर गणेश्वर सभ्यता। कहाँ पर है? सीकर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृदभंडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया है? आहड़, बिलुंड, कोटदीजी और कालीबंगा। तो राइट आंसर है कालीबंगा सभ्यता, जो कहाँ पर? हनुमानगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 17 है, कोल महोली सभ्यता स्थल किस जिले में है? भरतपुर, अलवर, करौली और सवाईमाधोपुर। तो कोल महोली सभ्यता स्थल कौन से जिले में स्थित है? तो राइट आंसर है सवाईमाधोपुर में। क्वेश्चन नंबर 18 है, अध्ययन की दृष्टि से मानव के संपूर्ण इतिहास को कितने भागों में बांटा जाता है? 4, 5, 2 और 3। तो अध्ययन की दृष्टि से मानव के संपूर्ण इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3 भागों में। ठीक है, कौन कौन से? प्राक ऐतिहासिक काल और आद्यतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो 3 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, आहड़ सभ्यता और गिलुंड सभ्यता। तो ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कौन सी सभ्यता को कहा जाता है? तो राइट आंसर है गणेश्वर सभ्यता, जो सीकर के अंदर है। तो इसको कौन सी सभ्यता कहते हैं? ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20, बालातल सभ्यता उदयपुर की खोज किसने और कब की थी? देखिए, बीवीलाल 1957-58, VN मिश्र 1962-63, BR मीणा 1998-99 और अमरानंद घोष 1952-53। तो बालातल सभ्यता जो उदयपुर में, उसकी खोज किसने की थी और कब की थी? तो राइट आंसर यहाँ पर VN मिश्र के द्वारा 1962-63 में बालातल सभ्यता की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21, बेराट सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? कांतली, बनास, बाणगंगा और साबी। तो बनास जो बेराट सभ्यता है वह कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ पर बाणगंगा नदी के किनारे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22, गणेश्वर सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसके द्वारा और कब की गई थी? कौन सी सभ्यता की? गणेश्वर सभ्यता की। देखिए, रतन चंद्र अग्रवाल 1972, अक्षय कीर्ति व्यास 1953, विजय कुमार 1977 और VN मिश्र 1961। तो 22 के अंदर राइट आंसर क्या जाएगा? देखिए, रतन चंद्र अग्रवाल 1972 में। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है? सीकर में। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किस सभ्यता स्थल से गाय व सफेद बैल की मरण मूर्ति मिली है? देखिए, गाय और सफेद बैल की मरण मूर्ति मिली है, लाछुरा, गिलुंड, धोली, मगरा और ओजियाना। तो 23 के अंदर राइट आंसर जो क्या हो जाएगा? ओजियाना। और ओजियाना सभ्यता कहाँ पर है? यह है भीलवाड़ा में। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान में मध्य पाषाणकालीन पुरावशेष प्राप्त हुए हैं? बालाथल उदयपुर, सुनारी झुंझुनू, विराटनगर जयपुर और नगर टोंक। तो राइट आंसर इसका मध्य पाषाणकालीन पुरावशेष मिले विराटनगर जयपुर से। क्वेश्चन नंबर 25, प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर अवस्थित हैं? उदयपुर, भरतपुर, जयपुर और टोंक। तो नगर कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है यहाँ पर टोंक में। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से सुमेलित कौन सा नहीं है? देखिए, जूनाखेड़ा पाली, नाडोल पाली, कोटरा झालावाड़ और गुरारा जयपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। देखिए, गुरारा कहाँ पर है? यह सीकर में। ठीक है, सीकर में। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27, इतिहास का वह कालखंड जिसकी पुरातात्विक सामग्री के साथ लिखित सामग्री भी पाई जाती है वह काल कहलाता है? आदितिहासिक काल, ऐतिहासिक, प्राकृतिहासिक और इनमें से कोई नहीं। तो 27 के अंदर राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर 3, ऐतिहासिक काल। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से सुमेलित कौन सा नहीं है? देखिए, रेड, डील नदी, बरोर, घग्गर नदी, तिलवाड़ा, लूणी नदी और सुनारी रुपारेल नदी। तो कौन सा इसमें असम्मिलित है? देखिए, इसके में जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सुनारी रुपारेल नदी, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कब हुआ, किसके द्वारा किया गया? 1977 रतन चंद्र अग्रवाल, 1972 विजय कुमार, 1953 अमलानंद घोष और 1957 बीबीलाल। तो गणेश्वर सभ्यता का जो उत्खनन है कब और किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर यहाँ पर 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30, ओजियाना सभ्यता किस काल से संबंधित है? ओजियाना, देखिए, ताम्र प्रस्तर युग, कांस्य युग, लोह प्रस्तर और मध्य पाषाण काल। तो ओजियाना सभ्यता किस काल से संबंधित है?
तो राइट आंसर है पर ताम्रप्रस्तर युगीन सभ्यता, ठीक है। और ओजेना कहाँ पर? भीलवाड़ा में। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए जहाजपुर भीलवाड़ा में है, पचमता ये राजसमंद में है, अहेड़ा अजमेर में है, और नगरी टोंक। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर 4 है, नगरी कहाँ पर? चित्तौड़गढ़। यहाँ पर टोंक की जगह क्या गया? चित्तौड़गढ़, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर असुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 32, वह सभ्यता स्थल जो बीकानेर में स्थित नहीं है? देखिए पुगल, साबनिया, कोल महोली और थेहड़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 2 कोल महोली। ये कहाँ पर है? ये स्वयं माधोपुर के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 33, किस सभ्यता स्थल से बाला के सिर में 6 छेद युगल समाधि के साक्ष्य और स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण मिले हैं? तो आहड़, कालीबंगा, हड़प्पा, कालीबंगा, आहड़ और रंगमहल। तो 6 छेद युगल समाधि के साक्ष्य और स्वास्तिक चिन्ह के साक्ष्य ये कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं सभी कालीबंगा सभ्यता से। जूते हुए खेत के साक्ष्य भी कालीबंगा से मिले थे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 34, बेराट सभ्यता स्थल से सूती कपड़े में बंदी कुल कितनी चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई थी? तो 28, 64, 36 और 42। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पर 36 मुद्राएं। क्वेश्चन नंबर 35 है, सर जॉन मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की कालावधि है? तो इसके अंदर राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर 3250 ईस्वी से ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से किस सभ्यता से नालीदार टोंटी का कटोरा मिला है? साबनिया, कालीबंगा, नैनवा और खुरड़ी। तो किस सभ्यता स्थल से नालीदार टोंटी का कटोरा मिला है? तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पर खुरड़ी, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 37 है, राजस्थान में किस सभ्यता स्थल से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोह युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण स्रोत हैं? तो देखिए पहला है नालेसर, जयपुर, भीनमाल, जालोर, तो ये दोनों तो नहीं है। अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला है नोहभरतपुर और रेड टोंक। तो उसका राइट आंसर है नोहभरतपुर, ठीक है। 37 के अंदर नोहभरतपुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, बागोर सभ्यता के उत्खनन में वीरेंद्र नाथ मिश्र के अलावा कौन सा मिलता? तो बी आलचिन, एच डी साकलिया, विजय कुमार और एल एस लेशनिक। तो बागोर सभ्यता के उत्खनन में वीरेंद्र नाथ मिश्र के अलावा और कौन यहाँ पर शामिल था? तो इसके अंदर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 एल एस लेशनिक। क्वेश्चन नंबर 39, सोनती सभ्यता की खोज कब और किसके द्वारा की गई थी? तो 1950 दशरथ शर्मा के द्वारा, 1951 केदारनाथ पुरी, 1953 अमलानंद घोष और 1953 केदारनाथ पुरी। तो सोनती सभ्यता की खोज कब और किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर यहाँ पर 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40 है, सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, कोट दीजी और लोथल। तो 40 के अंदर राइट आंसर क्या जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर 2, सॉरी इसके अंदर होगा ऑप्शन नंबर 3 कालीबंगा हनुमानगढ़ में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, देखिए पाषाण काल के उपकरणों में से प्राप्त एक उपकरण स्क्रैपर का आकार था? तो 10 से 15 सेंटीमीटर, 15 से 20 सेंटीमीटर, 3 से 5 सेंटीमीटर और 3 से 10 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, 3 से 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 42 है, लोह युग काल के पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी चित्रित मृदभांड संस्कृति का उदय हुआ। इस संस्कृति का उदय काल लगभग माना गया है 300 ईसा पूर्व, 300 ईस्वी और 600 ईसा पूर्व और 600 ईस्वी। तो 42 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 600 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 43 है, नालेसर सभ्यता जयपुर के सर्वप्रथम उत्खननकर्ता कौन थे? एके घोष, कर्नल हैंडले, कैप्टन बर्ट और कार्लाइल। तो नालेसर सभ्यता जो जयपुर में है तो इसके उत्खननकर्ता कौन थे? तो इसका राइट आंसर है कर्नल हैंडले। क्वेश्चन नंबर 44 है, बस्ती के दक्षिण दिशा में कब्रिस्तान तीन प्रकार की समाधान पद्धतियों युगल समाधि के अवशेष की सभ्यता स्थल की सभ्यता की विशेषता है? रंगमहल, कालीबंगा, आहड़ और भीनमाल। तो 44 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से किस सभ्यता से प्राप्त मुद्राओं पर मालवानाम जे व मालव सरदारों के नाम अंकित हैं?
रेड टोंक, सुनारी झुंझुनू, नगर टोंक, गिलुंड, राजसमंद। तो 45 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा नगर टोंक। क्वेश्चन नंबर 46 है, रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ से 105 ताम्र मुद्राएं मिली हैं, जिनमें से कुछ कुषाणोत्तर काल की हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? डांडिया, मुरडा, गदिया और फुलरिया। तो 46 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा मुरडा। क्वेश्चन नंबर 47 है, सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य से खोजे गए हैं? राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर इसका गुजरात। क्वेश्चन नंबर 48 है, उत्तर पाषाणकालीन उपकरण राजस्थान में विशेष रूप से किन स्थलों से प्राप्त हुए हैं? नोह व बीनमाल, बागोर व तिलवाड़ा, स्वंति व बरोर, लोद्रव व चंद्रावती। तो 48 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बारोर व तिलवाड़ा, बागोर व तिलवाड़ा, बागोर तिलवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 49, कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? चावल, सोयाबीन, जौ और रागी। तो कालीबंगा से जौ के साक्षी। क्वेश्चन नंबर 50 है, नंदलालपुरा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? नंदलालपुरा सभ्यता गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जयपुर। तो नंदलालपुरा जो सभ्यता है वो जयपुर में है, ठीक है। तो ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो राजस्थान की सभ्यताओं को लेकर के थे। तो वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करा करो, और आज से आप सभी को पता है जो सेकंड ग्रेड एडमिट कार्ड की जो सेंटर लोकेशन है वो डाल दी गई है, तो जिसने नहीं देखा है तो आप जरूर देख लेना। 21 तारीख से आपकी सेकंड ग्रेड की परीक्षा है, तो आप निश्चित रूप से तैयारी में लगे रहे, और सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।